आप सभी को भी अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा तो होती ही होगी, किसको नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से भविष्य बताने का एक लंबा इतिहास रहा है, ऐसे ही इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो महारत हासिल करना होता है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी कहें या फिर भविष्य के बारे में जानकारी कहें उसमें महारत हासिल की हुई है। तो हमारे साथ वान्या जी, पूजा जी और नीति जी मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से नया साल हर एक राशि के लिए होने वाला है, 2024 किस तरीके से हर राशि के लिए आगे बढ़ने वाला है। तो मैं आपसे एक एक करके जानना चाहती हूँ कि नया साल आ गया है, सबसे पहले आप सभी को भी मुबारक नए साल की। तो सभी एक राशि, सभी राशियों पे आप अगर हमें बता दें हमारे दर्शकों के लिए कि क्या ऐसा कुछ उनके लिए रहने वाला है आगे वाला साल। पहली बात तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन कुछ एंगल से थोड़ा सा न्यूट्रल भी है। इस साल जो है आपके करियर में प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलेगी, आपको रिलेशनशिप से भी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना है। इस साल जो है आपको अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है। जितना आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे उतने ज्यादा जो है आप नए प्रोजेक्ट्स अपने जीवन में अचीव कर पाएंगे। लाल रंग का प्रयोग आप करें बट एक्सेस रेड ना करें, क्योंकि वो हमें जीवन में एग्रेशन देता है। कहीं ना कहीं इस साल के जो राजा हैं वो मंगल हैं, मेष राशि के स्वामी भी जो हैं वो भी मंगल हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी। सिर्फ आप अपने एंगर को ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस का ध्यान रखें, एंग्जाइटी ज्यादा ना लें, स्ट्रेस ना लें। अदरवाइज आप ज्यादा एंग्जाइटी लेंगे तो आपको एसिडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। हनुमान जी का जाप करते रहें, श्री राम जी के मंत्र करते रहें, बजरंग बाण का पाठ करते रहें, ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। जी चलिए हम नेक्स्ट राशि पे चले जाते हैं। पूजा जी आप बता दीजिए। देखिए वृषभ राशि की जहां तक मैं बात करूंगी तो वृषभ राशि जो है उसमें अगर हम शनि महाराज की बात करते हैं तो योग कारक प्लैनेट है और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो वृषभ राशि के लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत में थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं वृषभ राशि वालों के, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा उनके फाइनेंसेस बहुत बेटर होते जाएंगे। और जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो साल का सेकेंड हाफ उनके लिए काफी शुभ है, उनकी शादी के योग खुलने वाले हैं। और जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो साल के सेकेंड हाफ में वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्क प्लेस पे थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स से आपको बचने की जरूरत है, खास करके सीनियर्स के साथ आप थोड़ी सी बना के रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वृषभ राशि वालों के लिए एक उपाय मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि वृषभ राशि वाले जितने भी हैं, हर शुक्रवार यदि वो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके दिया जलाते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ है। शेड्स ऑफ व्हाइट, सिल्वर एंड पिंक इनके लिए बहुत अच्छे हैं और फ्राइडे उनके लिए बहुत ही शुभ है। चलिए वृषभ राशि के बारे में हमने जान लिया। नीति जी आपसे पूछती हूँ, आप अगली राशि के बारे में। मिथुन राशि और इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध को ज्योतिष में इंटेलेक्चुअल का कारक माना जाता है, व्यापार का कारक माना जाता है, वाक्पटुता शैली ऑरेटरी स्किल्स का कारक माना जाता है, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, सेल्समैनशिप बहुत अच्छी होती है, सो दे आर वेरी गुड ऑरेटर्स बेसिकली। इस वर्ष अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के जो स्वामी जब साल का आरंभ हुआ था तो छठे भाव में गोचर कर रहे थे, तो इनको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, उसमें भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्किन की बीमारी ने परेशान कर सकती है। लेकिन लाभ भाव में गुरु का गोचर है और भाग्य भाव में शनि का गोचर है, इस वर्ष बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यात्राएं करते हुए देखे जाएंगे। ऑफकोर्स शादी के योग बहुत प्रबल है, जो लोग मैरिज को प्लान कर रहे हैं साल वो मैरिज करते हुए भी देखे जाएंगे। आय के भी सोर्स बनेंगे, बहुत अच्छे सोर्स बनेंगे और बहुत हायर अथॉरिटीज के साथ आपके संपर्क अच्छे होंगे। शेयर मार्केट में निवेश करते हुए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जून का महीना आपके लिए अच्छा है, उस समय आप कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको एक तो ग्रीन कलर को सबसे ज्यादा यूज करना है, आपका कलर ही वही है, तो ग्रीन कलर का आप हैंकी अपने पास रख सकते हैं। साथ में कहीं ना कहीं नपुंसक ग्रह माना जाता है बुध को, तो जो ट्रांसजेंडर्स लोग होते हैं, जो किन्नर लोग होते हैं, उनको आप बुधवार को जरूर कुछ ना कुछ डोनेट करें, उसमें भी कुछ ग्रीन कलर का आर्टिकल हो, अगर पैसा भी गिफ्ट करना है तो 20 रुपए का नोट आज की डेट में आ रहा है वो गिफ्ट करें। बुआ बहन बेटियों के साथ संबंध बहुत अच्छे रखें, उनको अगेन ग्रीन कलर के आर्टिकल्स आप गिफ्ट करते रहें। साथ में गणपति की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी है, गणपति का जाप करें और माता गाय को हर बुधवार हरे रंग की पालक खिलाएंगे तो निश्चित रूप से साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दो राशियों में तो शादी का योग काफी अच्छा बन रहा है, आपने मेष राशि के बारे में बताया, अगली कौन सी राशि पर हम जा सकते हैं? अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि आती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है,
चंद्रमा हमारे जीवन में हमारी माता का कारक होता है, हमारे मन का कारक होता है। तो इस साल अगर आप 2024 में भी देखते हैं तो दो बार अंक दो आता है। अंक दो अंक ज्योतिष की दृष्टि से हम चंद्रमा को देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी माता की स्वास्थ्य का जो है इस साल आप ध्यान रखें, अपनी माता की जितनी हो सकता है ब्लेसिंग्स लें। करियर में थोड़ा बहुत आपके लिए इस साल अप एंड डाउन आ सकता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ठंडा दूध मिश्री डालकर ले सकते हैं, माता की ब्लेसिंग्स ले, सफेद रंग का प्रयोग अपने जीवन में करें, शिवलिंग पर निरंतर जो है जल चढ़ाएं, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। आप कच्चे दूध से नहा भी सकते हैं जिसको मून बात कहते हैं, मून गेजिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। रोज अगर आप 10 मिनट चंद्रमा के नीचे खड़े हो जाते हैं, चंद्रमा की किरणें लेते हैं, तो देखेंगे कि आपका मन कैसे शांत होता है, कूल होता है, काम होता है। हेल्थ की दृष्टि से अपने कफ और कोल्ड का जो है इस साल खास ध्यान रखें। ओवरऑल आपके लिए ये एक न्यूट्रल साल है, लेकिन आपको चंद्रमा की सपोर्ट जरूर मिलेगी, क्योंकि 2024 में भी दो बार जो है अंक दो का प्रयोग किया गया है। पूजा जी, नेक्स्ट कौन सी राशि है जिसके बारे में जानकारी? नेक्स्ट राशि सिंह राशि आती है। सिंह राशि की यदि मैं बात करूं कि जो लोग करियर में प्रमोशन चाह रहे हैं या रिकग्निशन चाह रहे हैं, जो ट्रांसफर चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये साल बहुत शुभ है। करियर में प्रमोशन होता हुआ भी नजर आ रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन का भी योग बना हुआ है, बिजनेस में अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए कहीं फॉरेन में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। और जो लोग वीजा का वेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए वीजा आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे पार्टनर की आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, तो अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें सिंह राशि वाले जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी सेहत को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और आप अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखिए सिंह राशि वाले, क्योंकि ये साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ सडन चेंजेस भी आएंगे, कुछ सडन गेन्स भी हो सकते हैं, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे आप वो बहुत सोच समझ कर करें। सिंह राशि वाले जितने भी हैं, नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। पिता समान जितने भी उनके जीवन में लोग हैं, अपने पिता हैं, पिता समान लोग हैं, उनका सम्मान करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए आप बता दीजिए। कन्या राशि आती है। कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है। दे आर वेरी गुड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, बैंकर्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर्स बहुत अच्छे होते हैं। इस साल केतु का गोचर चल रहा है कन्या राशि के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की खोज रहेगी, अपनी खोज में ये लोग लगेंगे, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे ऐसा देखा जाएगा, रिलीजियस कहीं मेडिटेशन के लिए जाएंगे, तो इस तरह की गतिविधियों में देखा जाएगा। फर्स्ट हाफ जो है बिफोर अप्रैल एंड मई, थोड़ा सा इनके लिए खर्चे के लिहाज से एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, बट पोस्ट मई ये सेविंग्स भी कर पाएंगे, भाग्य साथ भी देगा और कार्यस्थल को विस्तार करते हुए देखे जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सफल होते हुए देखे जाएंगे, तो उनके लिए बहुत निर्णायक साल होने वाला है। साथ साथ जो फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी साल बहुत अच्छा है, साल को और अच्छा तो बनाना है। आपका जो लकी स्टोन होता है एमरल्ड होता है ग्रीन कलर का, ये हमने भी पहना हुआ है, इसको आप पहन सकते हैं अपने राइट हैंड की छोटी फिंगर में गोल्ड में। इसके साथ साथ आपको जो है गणपति की पूजा करनी है, उसके साथ साथ गणपति को मीठा पान आपको अर्पण करना है, और वेडनेसडे को आप देखेंगे कि फाइनेंशियल आपकी कंडीशन इससे बहुत अच्छी होगी। साथ साथ आपको बुद्ध देवता की पूजा करनी है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः, ये बीज मंत्र है बुद्ध का, इसका आप जाप करें। और केतु क्योंकि आपके लगन से गुजर रहे हैं, तो हो सके तो हर वेडनेसडे को गणपति के भगवान में एक झंडा जो है वो वहां पे उसको आप लगाकर आए, मंदिर में जाएं और झंडा लगाकर आए, आप देखेंगे कैसे आपके कार्यक्षेत्र में आपके झंडे गड़ने लग जाएंगे। देखिए, छह राशियों के बारे में हमने जाना कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा, और क्या कुछ उपाय हैं। आगे और राशियां अभी बची हैं, अभी और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट राशि कौन सी? तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव हमें जीवन में सारी लग्जरीज देते हैं। शुक्रदेव कहीं ना कहीं हमें जीवन में सोशली बहुत लोगों से कनेक्ट करते हैं। शुक्र हमारे जीवन में क्रिएटिविटी का कारक है, इंटीरियर डिजाइनिंग का कारक है, सुंदरता का कारक है। इस साल अगर आप 2024 को भी देखते हैं तो लास्ट में 24 आता है, 24 को आप ऐड करते हैं कहीं ना कहीं 6 आता है, 6 अंक भी जो होता है शुक्रदेव का होता है। तो इस साल आपके लिए सपोर्टिव तो रहेगा, लेकिन आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि शुरू में बर्डन लगे, लेकिन साल के 6 महीने के बाद स्थितियां जो हैं थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। करियर में भी आपको लोगों से काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी।
फिनेंशियली भी जो है इस साल आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन क्योंकि शनि का साल है, न्याय देव का साल है, न्याय के देवता हैं शनि, तो कहीं ना कहीं अपने शुक्र को आप एक्टिवेट तो करेंगे लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट करेंगे। आप शनि को ध्यान में रख के अपने शुक्रदेव को एक्टिवेट करेंगे, तो इस साल आप खास कुछ बातों का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचें, कहीं ना कहीं किसी बैड कंपनी से बचें, एडिक्शन से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि हमारे कर्मों के हिसाब से फल देता है। सफेद रंग का प्रयोग करें, आप डायमंड्स पहन सकते हैं, राइट हैंड में गोल्ड कलर की रिस्ट वॉच ले सकते हैं, अच्छे हाई एंड परफ्यूम्स लगा सकते हैं, रोज वाटर बाथ भी आप ले सकते हैं, मोटी इलायची जो बड़ी इलायची होती है उसका बाथ भी आप ले सकते हैं। कहीं ना कहीं साफ सफाई लग्जरी का ध्यान रखें क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जी बहुत अच्छा जाने वाला है इस राशि के लिए। नेक्स्ट राशि कौन सी? नेक्स्ट राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है वो मंगल है और मंगल जो है साल की शुरुआत में उच्च के होने वाले हैं, तो ये बहुत शुभ संयोग है वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्पेशली जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। जो स्पोर्ट्स में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या कोई अपना ही कुछ क्रिएटिव फील्ड या हॉबी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है साल की शुरुआत में। और इसके साथ ही अगर जो मैं देख रही हूँ जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये गोचर जो है गुरु का गोचर जो है वो बहुत शुभ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों पे शनि की ढैया भी है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए ड्राइविंग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस साल वृश्चिक राशि वालों का वाहन का संयोग बन रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है, लोन भी लेते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, तो बहुत ध्यान से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस साल बिल्कुल, और आपका ये सपना इस साल सच होता हुआ नजर आ रहा है। लव एंड रिलेशनशिप में मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पे राहु का जो गोचर है उनके पंचम भाव से हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है लव एंड रिलेशनशिप में, तो किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। और सेकेंड हाफ में आपकी शादी का भी बहुत शुभ संयोग बन रहा है वृश्चिक राशि वालों को। अब उपाय की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले अगर हर मंगलवार जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, उनके आगे दिया जलाते हैं और साथ ही सुंदरकांड का पाठ करते हैं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रेड कलर का प्रयोग करते हैं, अगर राशि अनुसार वो मूंगा पहनते हैं तो वो बहुत ही शुभ है उनके लिए। नेक्स्ट राशि कौन सी है? धनु राशि आती है और काल पुरुष की तो भाग्य स्थान की राशि है, गुरु की राशि है, देव गुरु बृहस्पति की राशि है, देवताओं के गुरु माने जाते हैं और नवग्रहों में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट है तो वो गुरु है। और साल के प्रारंभ में बहुत अच्छा एक्सचेंज हो रहा है लग्नेश और पंचमेश का, यानी कि पंचमेश लग्न में बैठे हैं और लग्नेश गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। इस वर्ष आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है, नए अवार्ड्स मिलने वाले हैं, आपकी प्रमोशन होने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं तो उसके साथ साथ संतान प्राप्ति के योग, या आपकी अगर संतान है तो वो अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा एक्सेल करने वाली है। दूसरी तरफ लव रिलेशंस की अगर आप में यू वांट योर पार्टनर तो दिस इज द ईयर व्हेन यू विल गेट दैट वन पार्टनर, जहां आप एक अपने रिलेशन को आगे बूस्ट कर सकते हैं, उसको चेरिश कर सकते हैं। और साथ साथ कहीं ना कहीं इस वर्ष ऐसा भी देखा जा रहा है, ये मैंने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव क्या है, आपकी माता की सेहत बहुत कंसर्न में रहेगी, उनका ख्याल रखें हेल्थ का। दूसरा वास्तु दोष मुझे इनके घर में दिखेगा इस वर्ष, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इनके घर में सीपेज की प्रॉब्लम, पानी की लीकेज की प्रॉब्लम दिखेगी तो उसको जरूर ठीक करें, क्योंकि राहु का गोचर चौथे भाव से कहीं ना कहीं या तो ड्रेनेज का इशू देता है या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कोई इशू देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इनके घर के खराब हो सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब है तो इमीडिएटली या तो रिपेयर कराइए, अगर आप रिपेयर कराने की कंडीशन में नहीं है तो आप घर से बाहर निकालिए, टूटा कांच भी होगा एज ए रेमेडी, कुछ भी क्लटर आपके घर में उसको इमीडिएटली क्लीन करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राहु के दुष्प्रभाव देगा जिसकी वजह से हेल्थ और आपके जो मानसिक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड रहेंगी। वर्ष को शुभ बनाने के लिए पुखराज आपके लिए बहुत अच्छा स्टोन है, येलो सफायर आप अपने इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में डाल सकते हैं। साथ साथ गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला आप रोज रुद्राक्ष या चंदन की केसर माला के ऊपर करें, हल्दी चंदन केसर का तिलक रोज लगाएं। ये बहुत ही सस्ता कहते हैं उपाय है लेकिन बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। और तिलक लगाते हुए ना केवल माथे पे अपने नेवल पे भी तिलक लगाएं, क्योंकि नेवल आपकी जो पूरी बॉडी उसका भ्रम स्थान है तो वहां से आपको ऊर्जाएं आपकी संचालन होगी। साथ साथ अपने गुरुओं की आप जो भी आपके टीचर्स हैं
क्योंकि ये साल जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो धनु राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अपने गुरुओं की आप पूजा करें टाइम टू टाइम, यू नो, उनको कोई ना कोई सोवन या रिस्पेक्ट ऑनर उनको देते रहेंगे। हमारे महारथी जो है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं, हमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बारे में भी बता रहे हैं, कुछ और राशियां बची हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि वालों, ये आपका ही साल है, क्योंकि मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और अगर आप 2024 का टोटल भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी 8 पर आता है, और इस साल के जो राजा हैं वो मंगल हैं, लेकिन जो महामंत्री हैं वो भी शनि हैं, तो कहीं ना कहीं शनि से प्रधान जो भी लोग हैं, जहाँ भी जिनकी लाइफ में सैटर्न का बहुत ज़्यादा रोल है, आपके लिए ये साल बहुत सपोर्टिव है। आपका गोल्डन ईयर है, ये जो है गोल्डन टाइम है, इनफैक्ट आई विल से कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके कार्य पूरे होने वाले हैं इस साल में। मकर राशि वालों, सिर्फ कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, पंक्चुअलिटी को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए, इसके अलावा डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में लेके आइए, लेजीनेस को छोड़ दीजिए, अपने कर्मास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि जो है कर्म प्रधान ग्रह है। अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ आप गलत कभी भी मत बोलिए, उनकी ब्लेसिंग से आप जीवन में ग्रो करेंगे। गरीबों को कुछ ना कुछ दान करते रहिए, ये साल आपका साल है, अपनी वाणी पर संयम रखिए। थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है बट उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शनि जीवन में स्टेबिलिटी देता है, आपके लिए ये एक स्टेबल ईयर है, प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स भी जो है इस साल अच्छे जाएंगे, आपके करियर में भी आपको प्रमोशंस मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। देखिए अगली राशि कुंभ राशि है, शनि की राशि है, और कुंभ राशि के लिए ये साल थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि इनकी 7.5 का दूसरा ढैया चल रहा है। अब जब चंद्रमा के ऊपर शनि महाराज आते हैं तो थोड़ी सी टेंशन और स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वालों को इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट उनको अभी इमिजिएटली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आगे आने वाले सालों में उसका रिजल्ट उन्हें ज़रूर मिलेगा। कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि एंग्जाइटी इश्यूज की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है वो कुछ ऐसा बोल जाए जो उनके अगेंस्ट चला जाए, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। आप लोगों का जो है फॉरेन ट्रैवल का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है, वर्क ट्रैवल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है इस टाइम पीरियड में, शॉर्ट ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है इस साल, तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और जो लोग वर्क प्लेस पे रिकग्निशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उनको भी सेकेंड हाफ में टूवर्ड्स नवंबर दिसंबर रिकग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि जो है इनके लिए जो फेवरेबल रत्न है वो नीलम है, या नीली पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, शेड्स ऑफ ब्लू इनके लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लू एंड ब्लैक बहुत अच्छे हैं। शनिवार के शनिवार जाके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। पूजा जी, नीति जी माफ कीजिएगा, गुरु की बड़ा इंतजार करना पड़ता है, मीन राशि आखिरी में आती है तो मुझे कई बार लगता है कि अरे बाबा, लेकिन बहुत अच्छी राशि है, गुरु की प्रधान राशि है, और इसी ये वही राशि जिसमें शुक्र देव उचके होते हैं। इस वर्ष क्या हो रहा है कि मीन राशि में राहु का गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट बनेगी, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सी दिक्कत आएगी, प्लस हेल्थ का इशू आएगा, इन्फेक्शन होने का डर है, तो अपना थोड़ा आप ख्याल रखिए, खाने में पीने में परहेज करिए। साथ साथ दूसरी तरफ गुरु का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, शनि से भी डबल ट्रांजिट से सेकेंड हाउस एक्टिव हो रहा है, सेकेंड हाउस धन भाव का भाव होता है, आपकी संस्कारों का भाव होता है, आपकी फैमिली का संचित धर्म का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से ही वर्ष आपके लिए अच्छा है। आप बहुत ह्यूज सेविंग्स करते हुए देखे जाएंगे, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि मंगल की राशि है, भूमि तत्व की राशि है, तो वहां पे भूमि का कारक होता है मंगल, तो मंगल की वजह से आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके देखे जाएंगे, जिसका वजह से आपको लाभ होने वाला है। दूसरी तरफ आपकी स्पाउस से पार्टनर की हेल्थ, वो एक इशू मुझे दिखती है, तो मेजर आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना है। आर्थिक रूप से ये वर्ष आपके लिए काफी प्रबल है। इसके साथ साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव साल है। जो लोग सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, चुनावों का भी साल है, जो लोग अपना चुनावी करियर प्लान कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के लिए, जो मीन राशि के, उनके लिए बहुत पॉजिटिव साल है। सरकारी तंत्र वालों के लिए गवर्नमेंट हायर अथॉरिटीज के साथ आपके साथ तालमेल बढ़ेगा, आपके संपर्क बढ़ेंगे, तो उस लिहाज से बहुत पॉजिटिव है। उपाय के लिए आपको हर थर्सडे को, क्योंकि मीन राशि 12वीं राशि होती है, कहीं ना कहीं अध्यात्म का केंद्र होता है वो, तो आप अपनी सर्विसेज, जो भी धर्म स्थान है, अभी राम मंदिर भी बन रहा है, तो आप वहां जाके अपनी सर्विसेज किसी भी रूप में, चाहे वहां पे आप खाने का वितरण करें, चाहे वहां के प्रीस्ट हैं जो ब्राह्मण हैं वहां पे जो सेवाएं देते हैं,
उनको आप पीले रंग के कपड़े दान करें या पीले रंग का भोजन दान करें जिसमें चने की दाल आएगी, गुड़ आएगा, आटा आएगा, देसी घी भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से दान पुण्य आप मंदिर में जरूर करें, उससे आपके गुरु बहुत प्रबल होंगे। साथ साथ आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी और चंदन, क्योंकि राहु केतु एक्सिस है, राहु चंदन से बड़े डरते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट कम होता है, तो आप चंदन का इत्र जो है या चंदन की खुशबू नहाने के पानी में डाल के हल्दी के साथ डेली स्नान करना चालू करें और चंदन और केसर का तिलक भी लगाएं। आप देखेंगे कि जो नकारात्मक ऊर्जा राहु केतु की है वो क्षीण हो जाएगी। और चार मोर पंखी सोते समय अपने पलंग के गद्दे के नीचे वहां पर रख दें, स्थापित कर दें, तो देखिए राहु का जो प्रभाव है आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए बताने के लिए कि 2024 कैसे जाने वाला है, क्योंकि बेशक सबके मन में ये सवाल थे कि क्या कुछ आगे होने वाला है, तो आप तीनों ने ही वो चीज़ें हमें क्लियर कर दी है, हमारे दर्शकों के लिए कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। तो देखा अभी आपने सुना, जो महारत हासिल की हुई है वो साफ दिखती है। सिर्फ हमने एस्ट्रोलॉजी पर ही नहीं बात की, वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में सब चीज़ें पता चली। थोड़ा बुरा हो सकता है लेकिन उपाय हैं, उपाय कीजिए। अच्छा तो रहने ही वाला है सबके लिए ये साल, तो 2024 आपके लिए भी शुभ रहे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है मेहंदी गर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद।